वहीं मिजोरम में साइक्लोन रेमल का असर के कारण लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते मंगलवार सुबह 6 बजे राजधानी आइजोल में पत्थर की एक खदान ढह गई। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, करीब 16 लोग अभी लापता हैं। घटना आइजोल के मेलथम और हिलमेन के बीच की है। मिजोरम डीजीपी अनिल शक्ला ने बताया कि एजेंसी पीटीआई को बताया कि अब तक 10 शव निकाले गए हैं। इनमें से 7 स्थानीय लोगों के हैं, जबकि 3 दूसरे राज्यों के हैं। वहीं मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तेज बारिश के कारण इसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसके आगे उन्होंने बताया कि लगातार बारिश के कारण मिजोरम के सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर आज बंद कर दिए गए हैं।